वेलकम टू डिस्कवर टाइम फ्रेंड्स, मैं विनोद आज आपके पास लेके आया हूँ डेटा वैलिडेशन टूल। ओके, सो डेटा वैलिडेशन यूज़ कैसे करते हैं, बेसिक यूज़ उसका, ठीक है। मोस्ट ऑफ द MIS में या फिर VB स्क्रिप्ट अपन जब लिखते हैं राइट, उसमें वैलिडेशन रूल्स कुछ लगते हैं अपने, तो वैलिडेशन रूल्स अपन कैसे सेटअप करें पर्टिकुलर शीट के लिए राइट। सो इसमें अपन देख सकते हैं उसका यूज़ हर एक कंपनी में, मोस्ट ऑफ दी कंपनीज में होता है, ठीक है। इसका यूज़ आप कहीं पे भी कर सकते हो, एक बार आप ये सीख जाओ, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं डेटा में जाऊँ, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, होल नंबर, देन डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, ये सब जगह पे आप वैलिडेशन लगा सकते हो। सो डेटा वैलिडेशन एज एन, उसका मीनिंग क्या है बस समझ लेते हैं। डेटा एज एन आपका जो डेटा है वो, ठीक है, वैलिडेशन उसको कुछ आपको रिस्ट्रिक्ट करवाना है डेटा को, राइट। सो दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन, सिंपल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे कुछ है होल नंबर, ठीक है, उसका मीनिंग यहाँ पे दिया है मैंने, टू रिस्ट्रिक्ट दिस सेल एक्सेप्ट ओनली दी होल नंबर, जो कुछ अपन होल नंबर दे यहाँ पे राइट, सो वही कुछ एक्सेप्ट करें, ठीक है, जो अपन रिस्ट्रिक्शन दे यहाँ पे, सिंपल। सो अगर आपका कर्सर यहाँ पे है होम टैब में, तो आप यहाँ पे जाना डेटा में जाके यहाँ पे डेटा टूल्स करके ऑप्शन है, यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन, ओके पे क्लिक, यहाँ पे बताएगा आपको, स्टार्टिंग में आपका कर्सर यहाँ पे रहेगा, एनी वैल्यू। सो दोस्तों अगर आपको पता नहीं हो, अगर ये टेबल है कुछ, ठीक है, जहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है उसको पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अदरवाइज जो कुछ आप वैलिडेशन दोगे वो पर्टिकुलर सेल में रहेगा, ठीक है। सो आप नहीं चाहोगे कि एक ही सेल में हो राइट। सो यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्शन दे रहा हूँ, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सिंपल। यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन अगेन, ओके पे क्लिक, होल नंबर, ठीक है। सो होल नंबर यहाँ पे मैं अलाउ कर रहा हूँ, होल नंबर एज इन, होल नंबर को अलाउ करना है मुझे, और डेटा में यहाँ पे दिया है बिटवीन, एज इन मुझे चाहिए खाली 35 से लेके 80 तक कुछ मार्क्स चाहिए राइट, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए राइट। सो मैं क्या करूँगा, कर्सर मैंने हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं डालूँगा, सपोज मैं डाल रहा हूँ 56, ये एक्सेप्ट कर रहा है राइट। सब्जेक्ट टू में डाल रहा हूँ मैं 78, इट्स गुड, इट्स एक्सेप्टिंग। बट यहाँ पे देखना, अगर मैं 85 डालूँगा ये कुछ एरर शो करेगा मुझे, ठीक है। अब ये एरर आप बोलोगे, ये एरर तो सिस्टम वाइज है राइट। अगर आपको ऐसा एरर खुद से बनाना है तो आप ये भी कर सकते हैं इसी डेटा वैलिडेशन टूल के अंदर। सो बड़ा कमाल का टूल है दोस्तों, ठीक है। सो मैं सिलेक्ट करूँगा इसको, मैं खुद का एक एरर मैसेज बना रहा हूँ पॉपअप, ताकि मैं अगर ये एक्सेल शीट किसी कलीग्स को भेजूँ या मेरे दोस्तों को भेजूँ तो वो समझ जाए कि हाँ वैलिडेशन लगाया हुआ है, अपने को डिजिट 35 से लेके 80 तक जाना है, ऐसा कुछ, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे एरर अलर्ट दूंगा मैं, यहाँ पे वार्निंग मैसेज है, आप जो चाहिए वो सिलेक्ट करो, मैं इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ, वो ज़रा भद्दा सा लगता है, सो इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज टाइप यूज दी, कुछ इसे लिख दूंगा मैं 35 to 80 मार्क्स इन दी शीट, शुभ, ओके पे क्लिक, ठीक है। अब मैं कुछ प्रेस करूँ, सपोज मैं प्रेस कर रहा हूँ 14, ताकि मुझे पता है कि 35 से आ गया हो, लेकिन मुझे एरर वो शो करना है, इसलिए एंटर पे क्लिक, करेक्ट। यहाँ पे कुछ देगा, यूज दी 35 to 80 मार्क्स इन दिस शीट, सिंपल दोस्तों। देन अगर आपको चाहिए तो ओके करो या फिर कैंसिल करो, ये कुछ मेरे इन्फॉर्मेशन वाइज किया। सेम आप किसी और चीज़ के लिए भी कर सकते हो, वार्निंग राइट। सो कुछ पॉपअप आपको शो करेगा वार्निंग के हिसाब से, करेक्ट, ये विंडो आ जाएगी आपके पास, सिंपल। सो ऐसे कुछ है, आप एरर अलर्ट इनपुट मैसेज भी दे सकते हो, ठीक है। इनपुट मैसेज कुछ ऐसे शो करेगा, अब मेरा कर्सर यहाँ पे है कुछ, ठीक है, पूरा सिलेक्ट किया मैंने, अगर इसमें भी आपको पूरा सिलेक्शन करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे प्लीज चेकआउट प्रॉपर वैलिडेशन, ठीक है, ये कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है, अब थोड़ा सा वैलिडेशन यहाँ पे डाल दिया मैंने, ओके पे क्लिक, तो यहाँ पे प्लीज चेकआउट प्लीज वैलिडेशन। सो
जो विंडो अपने को डिस्प्ले करते हैं, विंडो के अलावा आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, सो ये हो गया आपका होल नंबर। दोस्तों यहाँ पे ऐसा अगर आप चाहते हो यहाँ पे सेटिंग्स में आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हो, टोटल योर चॉइस। ठीक है, ठीक है, सो मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ डेसिमल पर। ठीक है, सो चलो डेसिमल वैल्यू में जंप करते हैं। मैं स्क्रोल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ कंटेंट था, क्लियर कर रहा हूँ। सो अगेन डेसिमल वैल्यू का यूज़ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, अगेन मैंने वही लिखा है, टू रिस्ट्रिक्ट दी सेल एक्सेप्ट ओनली दी डेसिमल नंबर। ठीक है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए डेसिमल नंबर्स के अलावा, सिंपल। सो मैं यहाँ पे अगेन जाऊँगा, यहाँ से डेसिमल पे क्लिक करूँगा, 10.5 से लेके मैं बिटवीन कर रहा हूँ, ठीक है, बिटवीन 10.5 से लेके 50.5 लगाना चाहिए, राइट। अगेन इसमें भी आप मैसेज दे सकते हो दोस्तों, एरर अलर्ट इनपुट मैसेज, सिंपल। मैं यहाँ पे 10.5 50.5 दिया, ओके 9, ठीक है, नहीं लेगा वो, क्योंकि उसने, मैं अगर 10 भी दे रहा हूँ फिर भी नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि मैंने डेसिमल वैल्यूज दी है, राइट। डेसिमल यानी आप पॉइंट्स में वैल्यूज जो आती है उससे कहते हैं अपन डेसिमल, राइट। सो 12.5 दूंगा, ले लिया, ठीक है, 50.5 लिया, ले लिया। अगर मैं 50 दूँ, नहीं 50 दिया, ठीक है, एक सेकेंड ना, अच्छा टोटल इट्स रेंज के अंदर ले रहा है वो वैल्यू, ठीक है, ठीक है, बट उसके अगर अलावा मैं कुछ लूँ तो नहीं लेगा वो, राइट। अगर मैं 78 ले रहा हूँ तो नहीं ले लेगा वो, ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ हो। ये हुआ डेसिमल। अब आया लिस्ट, ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट अपने आती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी यू नो दोस्तों को ऐसे ही कुछ इश्यूज फेस होते हैं कि मुझे अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट करूँ, सिंपल। यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर वे बता रहा हूँ डेटा वैलिडेशन में कैसे करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं, मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करनी है, ठीक है, मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, अल्ट ड्रॉप डाउन, मुझे अभी कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिस्ट नहीं है, टोटल ब्लैंक है, मुझे ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में आना चाहिए, राइट, लिस्ट और डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट, सोर्स लेना है मुझे, कहाँ से मुझे डेटा पिक करना है, ये डेटा पिक करा, ठीक है, ओके पे क्लिक। अब मैं अगेन अल्ट प्रेस करके डाउन एरो क्लिक कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, किसी का भी डेटा अपन पिक कर सकते हैं, सिंपल दोस्तों, ये हुआ लिस्ट। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल हेल्प मी टू क्रिएट सच मोर वीडियोस फॉर यू, ओके। डेटा टू रिस्ट्रिक्ट दी सेल ओनली एक्सेप्ट दी डेट, ठीक है, इसमें तो आप खुद से ही आप क्लियर हो जाओगे, तो मैं आपको उसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा सिलेक्शन दिया मैंने डेट में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे कुछ डेट है, बिटवीन दे रहा हूँ मैं, मुझे स्टार्ट करना है 1/1/2020, ठीक है, और ये कुछ क्लोज होना चाहिए दिसंबर तक। सो वैलिडेशन मैंने दिया है, ठीक है, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ डेट, कुछ वीडियो जो बना रहा हूँ वो डेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल सेमी कॉलर, ठीक है, अगर आपको पता नहीं हो तो शॉर्टकट, ठीक है, तो कुछ है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसका ईयर सपोज करना चाहता हूँ 19, तो नहीं देगा, एरर मैसेज, ठीक है। जितना उसका वैलिडेशन है दोस्तों, अपन वैलिडेशन उतना ही रिस्ट्रिक्ट करेगा वो पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए, सिंपल, डेट्स के लिए सेम गोज विथ टाइम, ठीक है। यहाँ पे टाइम टू रिस्ट्रिक्ट दी एक्सेप्ट ओनली द टाइम, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, डेटा वैलिडेशन में जा रहा हूँ, अगेन यहाँ पे टाइम, ठीक है, टेन यहाँ से मैं देता हूँ 1 एंड में दूंगा, अगर कुछ शिफ्ट टाइम हो, ठीक है, आप कुछ शेड्यूलिंग बना रहे हो या फिर कुछ है वो कुछ स्ट्रिक्ट शिफ्ट टाइमिंग आपको रखना है, राइट, वो टाइम पे आपको इसका यूज होगा दोस्तों, स्पेशली नेमेंसिस, ठीक है, 1/9 का कुछ शिफ्ट टाइमिंग है मेरा, इसके अलावा कुछ डेट टाइमिंग में चेंज ना हो दे रहा हूँ, अभी कुछ कोई सपोज लिख रहा है 10,
एंटर मारा तो एरर पॉप शो करेगा, राइट। वही अगर मैं दू 8 ले लेगा, राइट, क्योंकि मैंने वैलिडेशन ऐसा प्रोवाइड किया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ आपको पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे सेम है फुल नेम, फुल नेम का मुझे कुछ लेंथ देना है। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, अगेन टेक्स्ट लेंथ मुझे देना है, टेक्स्ट लेंथ ग्रेटर देन एटलीस्ट वो 15 कैरेक्टर्स के ऊपर होना चाहिए, राइट, मिनिमम 15 कैरेक्टर्स, ठीक है, मिनिमम दिया मैंने यहाँ पे। मैं दे रहा हूँ कुछ, लिखा मैंने सपोज डिस्कवर टैलेंट मिलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे टाइप करना पड़ेगा डिस्कवर, कुछ ऐसा मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ सपोज, ठीक है, क्योंकि मिनिमम उसने मांगा है,